नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं स्टेडियम रोड अशोका टावर पर और यहां पर एक कोचिंग स्टार्ट होने वाली है, कोचिंग सेंटर स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर हमारे साथ सर मौजूद हो चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे किस चीज़ की यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट होने वाली है और बच्चे किस तरह से यहाँ पर एडमिशन लेंगे। जी सर, सबसे पहले तो आप नमस्कार प्यारे दर्शकों। बेसिकली जैसे मैम ने इंट्रोड्यूस कराया है, ये एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी प्लस आइल्स की कोचिंग है। बेसिकली एक आइल्स नाम से वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है लोगों के माइंड में कि आइल्स होता क्या है। हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर आइल्स क्या है, कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है। बेसिकली आइल्स जो है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम है। अगर आप फॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं, बेसिकली आप USA पढ़ने जाना चाहते हैं, UK में अपनी मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, या फिर कहीं से भी आप मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आइल्स का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश का एग्ज़ाम बेसिकली होता है। इसको आपको क्लियर करना होता है, उसके एक मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं हर यूनिवर्सिटीज़ के, कंट्री के। आप वो क्लियर करते हैं, देन उसके बाद आप आगे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर, ये कब से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी? ये अपनी 15 अगस्त से हमारी फुल फ्लैज जो ब्रांच है वर्किंग में आ जाएगी। ओपनिंग हमारी कल हो गई है, तो कोचिंग क्लासेस प्लस एडमिशन प्रोसीजर वगैरह हमारा मंडे से काउंसलर्स वगैरह सारे बैठ जाएंगे, आगे गाइडेंस के लिए स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो बच्चे फॉरेन में जाके अपनी मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, बेसिकली जो बच्चा होता है उस जिसने बैचलर्स यहाँ पर कंप्लीट कर ली, अब वो मास्टर्स के लिए प्लान आउट करता है कि मैंने MSc कंप्यूटर साइंस करना है या BTech कर लिया, तो मैं मास्टर्स इंडिया में करूँ या अब्रॉड में करूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो MBA एक अच्छे कॉलेज से गेन करना चाहते हैं, बिकॉज अभी अपने यहाँ पर क्या है कि MBA के कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं बट स्किल एजुकेशन कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि मेजरली पढ़ाया क्या जाता है, हम लोग थ्योरी बेसिस पढ़ते हैं। फॉरेन एजुकेशन में डिफरेंस बस इतना है कि जो हम पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ होना है, बेसिकली MBA है। हमारे यहाँ पर MBA असाइनमेंट्स के व्याप पे कंप्लीट करा दिया जाता है। MBA अगर बच्चा सेल्स में कर रहा है तो बाकी उसको सेल्स कैसे करना है, एनवायरनमेंट क्या चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए, वो लोग वो बढ़ाते हैं। तो उससे क्या है कि बच्चा जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर MBA या मास्टर डिग्री में कर रहा है, अगर उतना ही फॉरेन यूनिवर्सिटी में करेगा तो उसका जो रिटर्न ऑफ एजुकेशन है, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, सैलरी पैकेजेस हैं, वो बहुत अच्छे और हाई है। सर, ब्रांच की अगर बात करें तो ये किस किस जगह पर ओपन है? देखिए, ऑलरेडी हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। हमारी जो हेड ऑफिस है वो काशीपुर उत्तराखंड में है, रुद्रपुर में हमारी कॉरपोरेट ऑफिस और ब्रांच है, प्लस हमारा सितारगंज में ऑफिस है। UP में बात करें तो हमारा पूरनपुर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है काफ़ी बड़ा, देन चंडीगढ़ में हमारा ऑफिस है जहां पर हम फॉरेन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। अब तक लगभग हम 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स मास्टर्स और बैचलर के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA भेज चुके हैं एक लीगल प्रोसेस के थ्रू। सर, कोचिंग तो बहुत सारी चलती रहती हैं और बच्चे एडमिशन भी लेते हैं, बराबर ही कोचिंग करते हैं, लेकिन जानना चाहेंगे अगर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं आगे चल के उनके लिए क्या सुविधा होगी? देखिए मैम, बेसिकली हमें फंडा फॉरेन एजुकेशन का समझना पड़ेगा। देखिए, कोचिंग एक डिफरेंट क्राइटेरिया हो गया। हम आइल्स की कोचिंग कराते हैं, टॉफिल की कोचिंग कराते हैं, जो उसके एग्ज़ाम्स हैं एंट्री लेने के लिए। बेसिकली वी आर इन टू दी कंसल्टेशन, हम लोग करियर काउंसलिंग करते हैं। अब बच्चा आता है कि मैंने सर कंप्यूटर में जाना है, अब बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर बच्चा कंप्यूटर में जाना चाहता है तो उसके पास कंप्यूटर साइंस है, बट वहाँ पर कंप्यूटर्स में ही डिफरेंट 120 तरीके की ऑप्शंस हैं। आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन में है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट लाइंस हैं जो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या प्रोफेशनल एजुकेशन आपको हेल्प करेगी फॉरेन में या इंडिया में, हमारा बेसिकली वो प्रोडक्ट है। तो फॉरेन में क्या है कि वही चीज़ जो हम इंडिया में पढ़ रहे हैं वो भी उसका कॉस्ट उतना आ रहा है, अगर बच्चा वही चीज़ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK से करता उसकी भी कॉस्ट उतनी आती है, बट उसकी एजुकेशन में और इसकी एजुकेशन में डिफरेंस क्या है। आप बाहर जा रहे हैं, आप अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आप मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में इंडल्ज होते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, जॉब्स कैसे ढूंढनी है, रिज्यूम्स कैसे बनाने हैं, तो आप जो बेसिक चीज़ बेसिक लाइफ की जो चीज़ें हैं वो आप फर्स्ट डे से चालू कर देते हो वहाँ पर। तो बेसिकली हमें ये समझाना है स्टूडेंट्स को किस तरह से यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए, बेसिकली हम लोग जब बच्चा हमारे पास इनरोल होता है, हम पहले उसका एक सारे डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि बच्चे की क्या एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको आगे क्या चाहिए, उसको कोर्स क्या चाहिए, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा,
देन एलिजिबिलिटी के साथ में जैसे वो क्लियर करता है कि एडमिशन प्रोसीजर में उसकी हेल्प करते हैं, उसको एजुकेशन लोन कैसे लेना है बैंक से, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एजुकेशन फाइनेंसिस में हेल्प करते हैं, देन उसके बाद उसकी वीज़ा प्रोसेसिंग क्या है, वीज़ा में डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, उस सारी चीज़ की हम बच्चे को हेल्प आउट करते हैं।